अब आपको बताएं, सानिया 9 मई, पीटीआई रहनुमाओं के गिर्द घेरा मजीद तंग। पीटीआई रहनुमाओं कारकुनों के नाम एग्जिट प्वाइंट फ्राहम। 200 से ज्यादा अफराद के नाम, मुल्क भर के तमाम एग्जिट प्वाइंट को फ्राहम किए गए। फहरिस्त में शामिल नाम मुख्तलिफ इदारों को मुकदमात में मतलूब है। नामों की फहरिस्त तमाम एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स पर इमिग्रेशन हुकाम को फ्राहम की गई। फहरिस्त में मौजूद अफराद की बैरून मुल्क रवानगी को हर सूरत रोकने की हिदायत है। बैरून मुल्क रवानगी को हर सूरत रोकने की हिदायत है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से, आगाह करें। सानिहा 9 मई, पीटीआई रहनुमाओं के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। पीटीआई रहनुमाओं कारकुनों के नाम एग्जिट पॉइंट्स पर फ्राहम कर दिए गए हैं। 200 से ज्यादा अफराद के नाम, मुल्क भर के तमाम एग्जिट पॉइंट्स को फ्राहम किए गए हैं। फहरिस्त में शामिल नाम मुख्तलिफ अदारों को मुकदमात में मतलूब हैं। सैयद अहमद इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है, मजीद इनसे जानेंगे। जी बिल्कुल, 9 मई को गाँव गिराव में मुलवस एक इंसाफ के रहनुमा पर गिर घेरा है, वो मजीद तंग है, वो कर दिया गया है। और जराये के मुताबिक तरीके इंसाफ के 200 से ज्यादा अहम रहनुमाओं और कारकुनों के नाम जो है वो मुल्क भर के तमाम एग्जिट पॉइंट पर फ्राहम है, वो कर दिए गए हैं। और फहरिस्त में शामिल नाम जो है वो मुख्य अदारों को मुकदमात में है, वो मतलूब है। जराये का ये कहना है कि नामों की फहरिस्त जो है ये मुल्तान एयरपोर्ट समेत मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट, सी पोर्ट और पर जो इमिग्रेशन हकाम को है वो फराहम किए गए हैं। और फहरिस्त में मौजूद अफराद की जो उन्होंने रवान को हर वक्त दोनों हदायत है वो की गई हैं। और ये हदायत की गई है कि मुल्तान एयरपोर्ट समेत मुल्क भर के जो एयरपोर्ट और एग्जिट पॉइंट है वहाँ पर, वहाँ से ये जाने वाले 200 से ज्यादा का अहम रहनुमा है जिनकी फहरिस्त दी गई है, इनको मुकम्मल तौर पर इनके टेक ऑफ और इनकी श्रृंखला को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए और इनकी एयरपोर्ट आमदनी के हवाले से तमाम किस्म की जो मालूम हैं वो मुतलका सिक्योरिटी काम को दी जाए। जी सईद अहमद, बहुत शुक्रिया तफसील अपडेट करने के लिए।